बिरसा मुंडा जयंती पर कैसे आदिवासियों की संख्या बढ़ाएं, इस विषय को लेकर विधायक ने ली अधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक। क्या अधिकारी और क्या जनप्रतिनिधि, सबकी बात एक ही रही एवं नाश्ता और भोजन पर ही पूरी बैठक समाप्त कर दी गई। क्षेत्रीय विधायक और अधिकारियों का समय कितना मूल्यवान है, इसका सिर्फ इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिरसा मुंडा जयंती पर आदिवासियों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए और क्या भोजन खिलाएं, इस बात पर ही 3 घंटे का समय बर्बाद किया गया। होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील में बुधवार को विधायक प्रेम शंकर वर्मा बिरसा मुंडा जयंती की तैयारियों को लेकर अधिकारियों और भाजपा पदाधिकारियों की एक बैठक ले रहे थे, लेकिन यह बैठक उस समय किरकिरी का सबब बन गई कि खुद विधायक प्रेम शंकर वर्मा बैठक का मूल उद्देश्य भूल नाश्ते और भोजन की बात करने में मशगूल हो गए। बैठक में SDM मदन सिंह रघुवंशी, जनपद पंचायत CEO दुर्गेश भूमरकर सहित भाजपा के पदाधिकारी बैठे हुए थे। जब अधिकारियों ने नाश्ते और भोजन का मेनू बताया तो किसी ने समोसे बढ़ाने का सुझाव दिया, तो कोई खाने में पुलाव रखने की बात करता दिखा, तो किसी ने पूरी की संख्या बढ़ाने की नसीहत दे डाली। बात यही नहीं रुकी, विधायक भी कहां पीछे रहने वाले थे। विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने भी अपनी बात रखी कि खाना लजीज और जायकेदार होना चाहिए, क्योंकि हमें भी तो खाना है। बैठक को लेकर विधायक और प्रशासनिक अधिकारी कितना गंभीर थे, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि जनपद पंचायत सभा हॉल में कुर्सियां खाली पड़ी रही। बैठक 9 बजे शुरू होना था, परंतु लोगों के एवं विधायक के ना आने के चलते 10 बजे चालू हो पाई। बैठक की शुरुआत ही विवादों से हुई, जब जिला निगरानी समिति के सदस्य अचानक भड़क गए और यहां तक बोल गए कि हमें बैठक की सूचना तो दी ही नहीं गई। नाश्ते और खाने के मेनू से शुरू हुई बैठक खाने के बाद पर ही खत्म हो गई एवं बैठक समाप्त होने से पूर्व ही SDM मदन रघुवंशी एवं तहसीलदार प्रमेश जैन बैठक से यह बोलते हुए निकल गए कि उन्हें BC में जाना है। अच्छा कहीं अपना आवली घाट पे चाय बनवा दी थोक में। हाँ, समझ रहा हूँ। तो बोलते हैं अपनी जगह का तो थोड़ा सा होता है, तो थोड़ा सा पुलाव रहेगा तो थोड़ा सा होता है।
अलग अलग मनमान के वो ताजा भी रहेगा और सुंदर से बन जाए। भैया देखो अब चलो और कोई सुझाव।